दिखा रहे हैं, जबकि हमारे कंट्रोल रूम से 11-11 राउंड के आंकड़े आ चुके हैं। मैं आपको विनेश फोगाट जी का उदाहरण देता हूं, आप कोई चैनल खोल दीजिए, सब में उनको 4 राउंड के बाद पीछे दिखाया गया था, जबकि 9 राउंड के बाद वो 4,437 वोटों से आगे हैं, अब 5,200 वोटों से आगे हो गई हैं। तो ये आंकड़ों में जो मिसमैच है, गैप है, ये क्यों है, ये हम बार बार चुनाव आयोग से, अभी हमारे महासचिव जयराम रमेश जी ने ट्वीट करके भी पूछा है कि ये क्या दबाव डालने की कोशिश हो रही है स्थानीय प्रशासन पर। इसलिए हम फिर से चुनाव आयोग को कह रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि इसमें तुरंत एक्शन ले, तुरंत जितने राउंड्स हो चुके हैं अपडेट करें, जितने भी जो ट्रेंड्स हैं उनको अपडेट किया जाए। सर, किस तरीके की आपको खामियां आपको लगता है या क्या होना चाहिए? 11 राउंड हो चुके हैं, 12 राउंड हो चुके हैं, आप अभी 6ठे या 7वें राउंड पर ही रुके हुए हैं, चैनल्स उसी पर निर्भर कर रहे हैं चुनाव आयोग के, उस पर रिपोर्टर्स के अपने आंकड़े बाहर आ नहीं रहे हैं। कभी कोई काउंटिंग में ऐसा नहीं होता कि रिपोर्टर्स के अपने आंकड़े बाहर नहीं आते। आपने ये पवन खेड़ा साहब का कहना है कि भैया इनके पास जो आंकड़े आ रहे हैं वो सबसे सटीक हैं, क्योंकि इनका भी कंट्रोल रूम है जो चुनाव आयोग से भी तेज है। अब भाई साहब का कहना है कि 11-11 राउंड हो चुके हैं और ये लोग जो चुनाव आयोग की वेबसाइट है उस पर बहुत स्लो दिखाया जा रहा है, बहुत स्लो डाउन किया गया है, 4-5 राउंड उस पर दिखाया जा रहा है। ये दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर से अब विक्ट्री के साइन देखिए आना शुरू हो चुके हैं, सुनते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कला साहब, कश्मीरी कला साहब। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है, जो अर्ली ट्रेंड्स हैं उसमें अब बहुमत की तरफ कांग्रेस पार्टी और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जाती हुई दिखाई दे रही है। हम देख रहे हैं मिठाइयाँ बांट रहे हैं आप लोग। बिल्कुल, हमें विश्वास है अपनी जनता पे, रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों पे, जो उनको दबाया गया है पिछले इतने 10 सालों से, और उन्होंने वोट के माध्यम से अपना हक और अपनी राइट्स का पूरा सेकुलर फोर्सेस को वोट दिया है, और उसी का वोट का, उसी जनता का हमें पहले से ही अनुभव भी था और पहले से ही हमें उस चीज़ का अंदाज़ा भी था कि रियासत जम्मू कश्मीर में सेकुलर फोर्स और सेकुलर तंजीमें और सेकुलर एक सरकार बनने जा रही है। इसलिए एडवांस में हम मिठाई भी बांट रहे हैं और एडवांस में जश्न भी। हरियाणा में हमने देखा कि आपने सुबह सुबह मिठाई बांट दी, सुबह सुबह जश्न कर दिया, लेकिन अब वो जश्न फीका हुआ होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, आपको लग रहा है ये जो ट्रेंड कश्मीर में आ रहा है, जम्मू में आ रहा है, वो रिजल्ट में बदलेगा अब 1-2 घंटे की? देखिए, अभी आप देख लीजिए, हरियाणा में ट्रेंड चल रहा है, शाम तक का इंतजार करिए, और जनता ने भी वहां पे पूरा सहयोग कांग्रेस को दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। जी, आप लोग हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अभी अर्ली ट्रेंड्स में आ गए हैं, अभी सेलिब्रेशन करना स्टार्ट कर दिया। क्यों नहीं करेंगे, हमें पता है, इंशाल्लाह लोगों ने हमें सपोर्ट दिया है, हम जीत कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जीत कर रहे हैं, इसलिए हम जश्न मना रहे हैं वोटों के लिहाज से, जो हमारे वोटर है। हरियाणा में हमने देखा कि आप अब सिमटते हुए दिखाई दे रहे हैं, पीछे होते हुए दिखाई नहीं 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 अभी देखिए रिजल्ट आ रहे हैं उसमें देख। ये केवल वैसे ही नहीं कहा था, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समाज के हर वर्ग के कल्याण के जो काम हो रहे हैं उसका असर हरियाणा में साफ दिखाई दे रहा था, लोगों के चेहरे बोल रहे थे, कांग्रेस हवा में उड़ रही थी, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने कामों के आधार पर जनता से वोट मांगे, और आज जो परिणाम आ रहे हैं, कांग्रेस की जगह तीसरे स्थान पर चली गई है, भारतीय जनता पार्टी शानदार विजय की ओर अग्रसर है, और इन परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि ठोस काम को ही जनता आशीर्वाद देती है, जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में किसानों के कल्याण के लिए भी हो रहे हैं। किसानों के लिए जो काम हुए पिछले दिनों वो अद्भुत और अभूतपूर्व, कांग्रेस ने कभी नहीं किए, और हरियाणा में केंद्र की योजनाएं मोदी जी की और राज्य सरकार ने भी जो कल्याण के काम किए उसका असर साफ नजर आ रहा था और आज परिणामों में प्रकट हो रहा है। कितनी तोड़ने की कोशिश कर ले समाज को कांग्रेस, लेकिन उनके इरादे
तो शिवराज सिंह चौहान को आप यहाँ पर सुन रहे थे, और जिस तरीके से हरियाणा में जो तस्वीर बदली अचानक से, जिस तरीके से बीजेपी लीड में आई उसका जिक्र करते नजर आए जाटलैंड में कि बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाकर हैट्रिक में आने वाली है। दूसरी तरफ कांग्रेस अपने दावे कर रही है जम्मू कश्मीर में, लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, इंडिया अलायंस जो है, वो आगे चलती हुई नजर आ रही है। तो दोनों तरफ हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, हर एक अपडेट जी मीडिया सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। और हमारे साथ जो हमारे मेहमान जुड़े, प्रदीप चतुर्वेदी जुड़े, माधुराम जी जुड़े, प्रतिष्ठा जी जुड़ी और राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़े, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।